ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलूशन। दोस्तों, हम लोग कई बार रेलवे टिकट बुक करते हैं। रेलवे टिकट बुक करते समय नेम, एज या मेल फीमेल कई बार गलती हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ट्रेन टिकट कैंसिल कराना होता है। कई बार हम टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या फिर कई बार हमें ऑफलाइन भी टिकट बुक कराना होता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम इस गलती को कैसे सुधार कर सकते हैं और उसी टिकट से ट्रेन में सफ़र कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भी हम रेलवे टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए हम ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन। यदि हमने काउंटर से टिकट बुक करा रखे हैं, उसमें हमें एज, मेल फीमेल या फिर जेंडर गलत हो चुका है, तो उसे हम कैसे सुधार कर सकते हैं, उसी टिकट से हम ट्रेन में सफ़र कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, जब भी हम काउंटर से टिकट बुक कराते हैं इसके लिए हमें एक फॉर्म मिलता है, जिसे हम फॉर्म फिल करके हमें काउंटर पे जमा करना होता है। इसके बाद हमें टिकट बुक करके दे दिया जाता है। तो जब भी आप टिकट काउंटर से लेकर निकलते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को चेक कर लेना है सारे डिटेल्स, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गया है। यदि वहीं पे मिस्टेक है तो आप लोगों को उसी काउंटर पे पहुँचना है जहाँ से आपने टिकट बुक करा रखे हैं, और आपने जब फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पे देखना है मिस्टेक आपने की है या फिर टिकट बुक करते समय काउंटर से हुआ है। यदि आपने कर रखी है गलती तो उसे टिकट को कैंसिल करा कर फिर से आपको बुक कराना होगा, जिसका कैंसिलेशन चार्ज आपको पे करना होगा। यदि काउंटर वाले ने जहाँ से आपने टिकट बुक कराया उसने यदि गलती किया है तो उस टिकट को कैंसिल करके वो बुक करके आपको देगा, जो कि कैंसिलेशन चार्ज उसे पे करना होगा। लेकिन मान लो उस ट्रेन में टिकट नहीं है और टिकट आपका कन्फर्म बुक हो रखा है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। यदि आपने घर चले आए और कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेन सफ़र करेंगे ट्रेन में, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, ट्रेन डिपार्सल यानी कि ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले आप लोगों को रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा और वहाँ पर आप लोगों को चीफ रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा और वहाँ पर आप लोगों को ट्रेन का टिकट और इसके बाद ओरिजिनल आईडी लेकर पहुँचना होगा और वहाँ पर दिखाना होगा। आप लोगों को वहाँ पर रिक्वेस्ट करना होगा, आप लोग वहाँ बता सकते हैं हमसे ये मिस्टेक हो गया है। तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन का फॉर्म का स्टैंप लगाकर आपको दे दिया जाएगा, या फिर वहाँ पे आपने या फिर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर काउंटर पे पहुँचना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे भी करेक्शन का स्टैंप लगाकर उसी टिकट पे ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप लोग यदि आपने काउंटर से टिकट बुक करवा रखे हैं तो आप लोग एज, मेल फीमेल या फिर जेंडर सही करके यानी करेक्शन कर उस पर उसी टिकट पर ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखे हैं तो क्या इसमें हम सुधार करके ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखे हैं इसे अभी सुधार नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बार जाकर काउंटर पे रिजर्वेशन सुपरवाइजर से मिलकर वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे करेक्शन का स्टैम्प लगा देता है तो आप लोग इजीली तरीके से उसी टिकट पे ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए आप लोगों को एक उपाय ज़रूर है, यदि आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या फिर आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो उससे पहले यानी कि मास्टर लिस्ट आप बना के रख सकते हैं और इसमें आप पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आप लोग टिकट बुक करते समय आप लोगों को एज, मेल फीमेल या फिर जेंडर मिस्टेक ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो बस इतना है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।